कलर डॉपलर क्या होता है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर यूजली 8वें और 9वें महीने में प्रेगनेंसी के लास्ट टर्म में कुछ पेशेंट को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है? ये बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड ही है, लेकिन इसमें कलर डॉपलर मीन्स ब्लड फ्लो को हम जब चेक करते हैं, जब आर्टरी और वेन में जो खून जाता है उसको चेक करते हैं, तो इस वाले अल्ट्रासाउंड को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जिस तरह से सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं उसी तरह से कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। बस अल्ट्रासाउंड मशीन में एक अलग से एप्लीकेशन आता है जिसको ऑन करने पे रक्त वाहिका में जितना भी खून जाता है, ब्लड जाता है, वो हमें दिखाई देने लगता है। इसमें दो तरह के कलर दिखाई देते हैं, एक तो रेड कलर दिखाई देता है और एक ब्लू कलर दिखाई देता है। जब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन अल्ट्रासाउंड मशीन की तरफ होती है तब इसमें रेड कलर दिखाई देता है, और जब फ्लो अल्ट्रासाउंड मशीन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसमें ब्लू कलर दिखाई देता है। तो इस तरह से दो कलर दिखाई देते हैं। जब भी हम किसी आर्टरी का या वेसल्स का ब्लड फ्लो चेक करते हैं तो उसमें दो कलर दिखाई देते हैं, रेड और ब्लू, और इसी को पेशेंट कलर सोनोग्राफी कहते हैं, जो कि एक तरह का कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। ये एक तरह का बेसिक अल्ट्रासाउंड ही है जिसमें इमेज ब्लैक एंड व्हाइट बनती है, परंतु जब हम इसमें कलर डॉपलर का एप्लीकेशन डाल देते हैं तो इसकी इमेज रेड और ब्लू दिखाई देती है, जिसको पेशेंट अपनी भाषा में कलर सोनोग्राफी कहते हैं। फीटल डॉपलर प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में यूजली डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके कुछ इंडिकेशन होते हैं जिसमें कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नंबर वन, हाइपरटेंशन। जिस माँ को, गर्भवती माँ को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उन पेशेंट को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। इसमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो बच्चे को चार आर्टरी सप्लाई करती हैं, दो यूटेराइन आर्टरी, राइट यूटेराइन आर्टरी और लेफ्ट यूटेराइन आर्टरी, अम्ब्लाइकल आर्टरी में ब्लड चेक करा जाता है कि उसमें कहीं भी रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है, मतलब कि उस ब्लड वेसल्स में कहीं भी अवरोध तो नहीं आ रहा है। तो यूटेराइन आर्टरी डॉपलर से बेबी को कितना रिस्क है, बेबी की ग्रोथ कितनी कम हो रही है, ये हम पता कर सकते हैं। अम्ब्लाइकल आर्टरी के थ्रू माँ का ब्लड बेबी को सप्लाई होता है, और इस ब्लड के थ्रू ही बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। अगर अम्ब्लाइकल आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फीटल बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फीटल हाइपॉक्सिया हो जाता है। तो इसलिए अम्ब्लाइकल आर्टरी में ब्लड फ्लो डाल के सारे पैरामीटर्स चेक करे जाते हैं कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई, खून की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो जाती है, यूटेराइन आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कि यूटेराइन आर्टरी में कम ब्लड फ्लो जाता है। तो यूटेराइन आर्टरी में कम ब्लड जाएगा तो प्लेसेंटा में भी कम ब्लड जाएगा, प्लेसेंटा से ही बेबी को सप्लाई होती है तो बेबी में भी कम ब्लड जाता है। इसकी वजह से ये इस तरह के बच्चे थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, जिसे IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। इस तरह के बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर अम्ब्लाइकल आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फीटल बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फीटल हाइपॉक्सिया हो जाता है। तो इसलिए इस अम्ब्लाइकल आर्टरी को टेस्ट करके इसमें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन डाली जाती है और उसके सारे पैरामीटर्स चेक करे जाते हैं कि इसमें सिस्टोलिक SD रेशियो, RI और PI बराबर मात्रा में है या नहीं है। MCA बच्चे के दिमाग में जाने वाली MCA मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में ब्लड फ्लो चेक करके देखते हैं कि बच्चे के ब्रेन को पर्याप्त मात्रा खून की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इसका वेव फॉर्म चेक करते हैं और उसमें SD रेशियो, RI और PI चेक किया जाता है। डायबिटीज़, अगर माँ की शुगर कंट्रोल नहीं होती है, ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, तो इसमें हम यूटेराइन आर्टरी डॉपलर डाल के कितना रिस्क है ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बेबी के चारों तरफ कम पानी है, ओलिगोहाइड्रोमनियास है, या पानी की मात्रा अधिक है जिसे पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं, उसमें भी कलर डॉपलर स्टडी को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर कोई माँ स्मोकिंग करती है, क्रॉनिक स्मोकर होती है, तो उसमें भी डॉक्टर कलर डॉपलर स्टडी एडवाइस करते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर माँ के गर्भ में दो बच्चे, ट्विन प्रेगनेंसी या तीन बच्चे होते हैं, तो भी कलर डॉपलर स्टडी के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं।
अर्ली प्रेगनेंसी में एंटी स्कैन होता है जो कि 11 से 13 वीक्स के बीच में होता है, उसमें भी यूटेराइन आरटी में टॉपलर डाल के हम ब्लड फ्लो चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आगे चल के माँ को कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं होगी। ये अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कहलाता है और इसमें दोनों यूटेराइन आरटी में ब्लड फ्लो, राइट और लेफ्ट यूटेराइन में ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।